गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और हम आ गए थे इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ये आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, पेजर्स, टेलीफोन एक्सचेंज, राडार्स, कंप्यूटर्स एंड मैनी अदर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। तो ये सारी की सारी चीज़ें टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आवश्यक रिक्वायर होती हैं। बेंगलुरु हैज इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी मानी जाती है। अदर इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। बाय 2011 STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया हैव कम अप अक्रॉस 46 लोकेशन एट डिफरेंट सेंटर ऑफ इंडिया। हाउएवर द मेजर इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन इज एट बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे। मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही है कि इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा किया है। इट इंक्रेजिंग टू नो दैट 30% पीपल एम्प्लॉयड, यानी कि देखो 30% जो पीपल है ना वो एम्प्लॉयड है इन दिस सेक्टर आर वुमेन, यानी कि 30% वुमेन इन सेक्टरों में लगे हुए हैं। दिस इंडस्ट्री हैज बीन ए मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन द लास्ट 2 or 3 years बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ IT इंडस्ट्री इन इंडिया। और यह है IT इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ करने में हार्डवेयर में ये, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंडस्ट्रियाँ अब इन सब के बावजूद एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इंडस्ट्रियों की वजह से, वो क्या है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन इंडस्ट्रियों से क्या हो रहा है, एक तो पोल्यूशन बढ़ रहा है और दूसरा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन की निम्न स्तर का हो रहा है। ऑल दो इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हालांकि देखो इनसे आर्थिक विकास तो हो रहा है देश का। द इंक्रीज इन पॉल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर, नॉइस एंड रिजल्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट दैट दे हैव कॉज्ड कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, यानी कि जो पॉल्यूशन इनके द्वारा किया जा रहा है तो उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 types ऑफ पोल्यूशन, और यही इंडस्ट्री क्या है, ये 4 प्रकार के पोल्यूशन का रीजन भी है, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, नॉइस, ये 4 type के पोल्यूशन होते हैं हमारे। द पोल्यूशनिंग इंडस्ट्री ऑल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो इसके लिए पहला है हमारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द presence of high proportion in undesirable gases such as sulfur dioxide, carbon monoxide, यानी कि वो गैसें जो एयर के लिए अच्छी नहीं होती वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोपोर्शन में शामिल हो जाती है। एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटीरियल कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल लाइक डस्ट, स्प्रे, मिस्ट एंड स्मोक। स्मोक इज एमिटेड बाई केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक्स क्लीन्स, रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स एंड बर्निंग फॉसिल फ्यूल इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज एंड इग्नोर पोल्यूशन नॉर्म्स, यानी कि ये हो रहा है कि जितने भी ये केमिकल फैक्ट्री हैं और भी सारी फैक्ट्री, वो क्या कर रहे हैं, वो पोल्यूशन के जो नॉर्म्स हैं ना, नियम हैं, उनको वो क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हजार्डस विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट, और जो जहरीली गैस अगर लीक हो जाए वो काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकते हैं। आर यू अवेयर ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजडी दैट अकर्ड, आपको पता ही होगा जो भोपाल गैस ट्रेजडी होती 1983 में। एयर पोल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ
एनिमल प्लांट बिल्डिंग एंड एटमॉस्फेयर एज ए होल। तो यह पूरी तरह से प्रभावित करता है हर किसी को। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। इट्स यूज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू रिवर। ये पानी के अंदर इनऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है और उनके एफ्लुएंट इसके अंदर डिस्चार्ज किए जाते हैं, नदी पानी के अंदर छोड़े जाते हैं नदियों के, तो उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। द मेन कल्प्रिट इन दिस रिगार्ड आर पेपर पल्प केमिकल टेक्सटाइल डाइंग पेट्रोलियम रिफाइनरी टिनरीज एंड इलेक्ट्रो पोलेटिंग इंडस्ट्री दैट लेट आवर आउटडाइज डिटर्जेंट एसिड सॉल्ट एंड हैवी मेटल लाइक लीड्स मर्क्यूरी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स सिंथेटिक केमिकल्स विद कार्बन प्लास्टिक एंड रबर एट्सेट्रा इन टू द वाटर बॉडीज। ये सारी चीज़ें पानी के अंदर छोड़ दी जाती हैं। फ्लाई फिश फ्लाई एस फॉस्फो जिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। तो ये क्या है, भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कराते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे एयर पोल्यूशन के लिए सबसे बड़े, वाटर पोल्यूशन के लिए सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस है। नेक्स्ट है थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्री दैट थर्मल प्लांट इज ड्रेन इनटू रिवर एंड पोंड बिफोर कूलिंग। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ एक्वाटिक लाइफ। यानी कि देखो थर्मल में क्या होता है कि पानी को गर्म किया जाता है और वहाँ पे पावर जनरेट की जाती है। अब आप सोच के देखो कि वही पानी अगर बगैर कूल के यानी कि ठंडा के उसको पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है पॉन्ड के अंदर या रिवर के अंदर, तो क्या होगा वहाँ की एक्वाटिक लाइफ का, वहाँ के जीवों का क्या होगा। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटी कोज कैंसर बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस। तो उससे ये बहुत बड़ी हानियाँ होती हैं। सोइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड, और सोइल और वाटर पोल्यूशन एक दूसरे से पूरी तरह से संबंधित है क्लोजली। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास हार्मफुल केमिकल इंडस्ट्री एफ्लुएंट्स पैकेजिंग सॉल्ट एंड गार्बेज रेंडर द सोइल यूजलेस। इससे क्या हो जाती है, सोइल क्या हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। रेन वाटर परकोलेट टू सोइल कैरिंग द पोल्यूटेंट टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट कंटेमिनेटेड। तो इससे क्या होता है, पानी का जो ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है ना भौम जल है, वो भी इससे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, वो भी पोल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉइज पोल्यूशन। नॉट ओनली रिजल्ट इन इरीगेशन एंड एंगर, इट ऑल्सो कॉज हेयरिंग इम्पेयरमेंट। इससे केवल इरिटेशन और एंगर ही नहीं होते, यह हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी करता है, यानी कि सुनने की जो शक्ति है उसको भी कम करता है। इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर अमंग अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। अनवांटेड साउंड इज एन इंस्टेंट एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस। देखो जो साउंड अच्छी नहीं लगती उससे भी क्या होता है, स्ट्रेस होता है काफ़ी ज़्यादा। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मशीनरी फैक्ट्री इक्विपमेंट जनरेशन जनरेटर सॉज एंड न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स आल्सो मेक ए नोट ऑफ नॉइस। तो ये सब क्या है, नॉइस का कारण बनते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब हम इस इन्वायरमेंट को कम करने के लिए क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट डिग्रेड ना हो। एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाई आवर इंडस्ट्री ऑफ पोल्यूट 8 times द क्वालिटी ऑफ द फ्रेश वाटर। देखो जो भी हम वेस्ट छोड़ते हैं ना, 1 liter वेस्ट भी छोड़ते हैं पानी के अंदर, तो वो 8 times तक क्या करता है, फ्रेश वाटर की क्वान्टिटी को ख़त्म कर देता है। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड। तो कैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को हम कर सकते हैं कम, सम सजेशन है, तो उसके लिए कुछ सुझाव है। फर्स्ट क्या है, मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट 2 or more सक्सेसिव स्टेजेस। तो हम क्या करेंगे, उसको मिनिमाइज कर देंगे वाटर प्रोसेस को, उसको रीयूज करके या रिसाइकल करके। ठीक है, नेक्स्ट हार्वेस्टिंग ऑफ
रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। हम क्या करेंगे, जो बारिश का पानी है ना उसको हार्वेस्ट यानी कि उसको स्टोर करेंगे ताकि हम फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए उसका उपयोग कर सकें। नेक्स्ट, ट्रीटिंग हॉट वाटर। हम हॉट वाटर को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे एंड एफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड फोन्स। तो उनको ट्रीट करेंगे पहले यानी कि ठंडा करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कैन बी डन इन थ्री फेजेस। तो इसको हम तीन फेजेस में कर सकते हैं। पहले तो क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, दिस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोकुलेशन एंड सेंडिमेंटेशन। तो ऐसे हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, इससे भी हम कर सकते हैं। टर्सरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, दिस इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर। तो इस प्रकार हम इसको वेस्ट वाटर को रिसाइकल भी कर सकते हैं इन प्रोसेस से, ठीक है। ओवर ड्रॉविंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व बाय द इंडस्ट्री वेयर देयर इज ए थ्रेट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑल्सो नीड टू बी रेगुलेटेड लीगली। एक क्या हो रहा है यहाँ पे अपने इंडिया में कि हम ओवर ड्रॉइंग कर रहे हैं ग्राउंड वाटर, यानी पानी का बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं, जो कि इसको भी हमें कानूनी तौर पे हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स ऑफ फैक्ट्री विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रूबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स। तो हम ये चीज़ें, ये मशीनें यूज कर सकते हैं जिससे कि हम पोल्यूशन को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोयल इन फैक्ट्री। दी कोयले के बजाय हम ऑयल और गैस को यूज कर सकते हैं जिससे स्मोक कम होगा। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। नई टेक्नोलॉजी की मशीन इक्विपमेंट हम यूज कर सकते हैं, जनरेटर हम यूज कर सकते हैं, साइलेंसर वाला। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिजाइंड टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइस। तो इस प्रकार हम उनको कम कर सकते हैं। नॉइस अब्जॉर्बिंग मटेरियल में भी यूज अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग एंड ईयरफोन। हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ईयर प्लग और ईयरफोन यूज करके नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। द चैलेंज ऑफ सस्टेन डेवलपमेंट रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो यहाँ पे देखो, NTPC शोज द वे। तो यहाँ पे NTPC ने हमें एक तरीका दिखाया कैसे हम इन्वायरमेंट को कम कर सकते हैं। NTPC इज ए मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इन इंडिया। यह है इंडिया की सबसे बड़ी पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है। इट हैज़ ISO सर्टिफिकेशन ऑफ EMS इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 14001। द कॉरपोरेशन हैज़ ए प्रोएक्टिव अप्रोच टू द प्रिजर्विंग नेचुरल इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल एंड गैस एंड फ्यूल इन प्लेस वेयर इट इज सेटिंग अप पावर प्लांट्स। तो इन्होंने बड़े काफ़ी अच्छे तरीके अपनाए हैं कैसे इन्वायरमेंट को रोका जा सकता है, और वो ऐसे हो सकता है जैसे फर्स्ट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। इसमें यही होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हम जितने भी इक्विपमेंट है उनका ऑप्टिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करें, उपयोग करें। सेकेंड, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एक्स यूटिलाइजेशन। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम एस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो राख वगैरह बनते हैं ना तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड, प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट फॉर द नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ द स्पेशल पर्पज व्हीकल फॉर अफॉरेस्टेशन। वहाँ पर ग्रीन बेल्ट का निर्माण कर सकते हैं जहाँ पर भी ये लगाए जाते हैं ताकि वहाँ पर इकोलॉजिकल सिस्टम बना रहे। फोर्थ, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू एस फोन मैनेजमेंट। तो हम इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एस फोन मैनेजमेंट बना सकते हैं, जैसे कि एस वाटर रिसाइकलिंग हो सकते हैं सिस्टम में, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं।
लास्ट है इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग रिव्यू एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। तो हम ये एक इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, टाइम टू टाइम रिव्यू कर सकते हैं कि भाई यहाँ का इन्वायरमेंट सही से है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेसन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इसके क्वेश्चन आपको आज मिल जाए, ये क्वेश्चन भी कर लेना और पहले ये कर लेना, इसको रीड कर लेना। ओके स्टूडेंट।